बच्चों को मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोगों को काम करना है, सुबह सुबह का टाइम है, आदि की हेयर कट करवानी है। और वो हेयर कट क्यों करवानी है, क्योंकि आज दिन है। बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते इतनी जल्दी जल्दी बोल दिया ना इसने, ऐसे ही समझ ही नहीं आया होगा। कम ही बिकॉज ये बड़े खुश है ये वाले बैग्स लेके। कैन यू जी है, इधर प्रिशा बैठी हुई है। प्रिशा अपने आप में व्हाट आर यू डूइंग, अभी हम तीनों जैसे भी हैं, मतलब कि जिस कंडीशन में है, मैं तो ना चुकी हूँ। बच्चों को मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोगों को काम करना है, सुबह सुबह का टाइम है, आदि की हेयर कट करवानी है। और वो हेयर कट क्यों करवानी है, क्योंकि आज दिन है। बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते इतनी जल्दी जल्दी बोल दिया ना इसने, ऐसे ही समझ ही नहीं आया होगा। कम ही है बिकॉज मुझे अभी नोटिफिकेशन आया कि आदि के स्कूल में कल मीटिंग है एंड आदि हैज टू बी गेट ड्रेस्ड, राइट आदि? तो हम लोग अभी जा रहे हैं। ये वाली टी शर्ट आदि ने डाल रखा है, इसका नाम है वर्ल्ड वाइड, राइट आदि? और आंटी हम लोग अभी जा रहे हैं हेयर कटिंग करवाने के लिए, तो आप लोग भी चलिए हम लोगों के साथ। हम लोग अभी हल गाड़ी में आके बैठे हैं और मैं आपको बता दूं कि बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 91 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतनी गर्मी है। और गाड़ी में आके बैठे हैं तब तो ऐसा फील हो रहा है बिल्कुल जैसे 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैन यू बिलीव दैट, मतलब इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा। पर कोई बात नहीं, हम लोगों ने खिड़की खोल दी है और एसी चालू कर दिया है। अभी वो फटाफट से ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं, हेयर कटरी करवाते हैं और उसके बाद जो जो प्लानिंग्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर होती जाएगी। आदि चीका गमिया, आदि अपने आप में बिजी है। इधर प्रिशा बैठी हुई है, प्रिशा अपने आप में व्हाट आर यू डूइंग, ईयू, ओह माय गॉड, आदि व्हाट इज शी डूइंग, She's sucking her finger and she just got cut. Oh my god. प्रिशिया पता नहीं क्या क्या करती रहती है सच्ची में। और हम लोगों के वीकेंड को लेके कुछ अलग ही प्लानिंग्स हैं, तो वो आप लोग बने रहिए हम लोगों के साथ। दो तीन प्लान्स हैं, अब देखते हैं कौन सा वाला हम लोग कर पाते हैं। देखते हैं, चलिए आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर होता रहेगा। ओह माय गॉड, मुझे भी एक्चुअली पता है मुझे हेयर कटिंग करवानी है, पर मैं आज अपनी हेयर कटिंग नहीं करवा रही हूँ, मैं अपनी हेयर कटिंग कल करवाऊंगी। एक्चुअली कल स्कूल में मीटिंग भी है, पर वन वर्क एट अ टाइम, मतलब कि एक टास्क हो सकता है आज के दिन। आज आदि का करवा देती हूँ, कल मेरा करवा लेंगे। और मुझे ना एक्चुअली जो हेयर वॉश भी करना है, तो मैं कल ही करवा दूंगी। मैं बाहर से नहीं करवाती हूँ हेयर वॉश, पता है ना उनके बहुत सारे केमिकल वेमिकल लगा देते हैं और ढंग से सफाई भी नहीं करते, ऐसे ही काट देते हैं और चार्ज मार देते हैं यार। और मुझे ना वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए मैं घर में हेयर कटिंग करवाऊँगी और फिर मतलब हेयर कटिंग क्या, घर में हेयर वॉश करके जाऊँगी इसीलिए। ओके हम लोग आ गए हैं अभी ग्रेट क्लिप्स पे, ये रहे आदि प्रशा, आदि प्रशा ये रहे, चलो यू नो कहीं पे भी जाने से पहले ना एक रूल तो लगाना ही पड़ता है कि ढंग से बिहेव करना वहाँ पे। ओके ओके नमस्कार। Alrighty guys, तो मैं रियल क्विक में आप लोगों को अपडेट कर दूं कि आदि का हेयर कट हो चुका है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा जब हम लोग घर से निकल रहे थे तब उसका क्या हेयर कट हो रहा था, और अभी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ आदि एंड प्रिशा, आदि विद न्यू हेयर कट।
Adi is all ready for tomorrow. Right, Adi? Give me a high five. How do you like your hairstyle, Adi? Take it out and say. How do you like it? Good. That's it? Oh my god, iske expressions hi sab kuch keh rahe. He likes it and he loves it. Right, Adi? Yes. Better than the last one? Last one was different. दिखती सारी हेयर स्टाइल एक जैसी ही है ये वाली. एग कट. पर ये इन लोगों के नाम चेंज हो जाते हैं, जैसे लेडीज के रेजर लेयर और स्टेप्स कटिंग सब चेंज हो जाता है, वैसे बच्चों के इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज करते ही रहते हैं, नाम डालते रहते हैं, मशीनों के नाम हो जाते हैं, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1.5 ब्लेड के नाम होते हैं वैसे ही. राइट आदि, ये मैं हाफ आए. And Prisha, come here. Prisha also got her hairstyle, which I gave it to her. Prisha, come in the camera. Adi, come in the camera. Recently too. Adi and Prisha are right over here. And we are smarties. Mm-hmm. Do like this. Oh, yeah. Look on my Prisha. YouTube, remember? Yeah, do like this. Oh, yeah. You cut my hair too. Awesome. Yeah, I cut in her hairs. Prisha ki bhi bahut jaldi meeting aane wali hai school ki. Right, Prisha? There you go. चलिए अब चलते हैं. अब रियल क्विक में हम तीनों जा रहे हैं चिकफिला, क्योंकि बच्चों को अब भूख लग रही है. ऐसे ही होता है जब बाहर आते हैं ना, तब इन लोगों को भूख लग जाती है. तो बच्चों के डैडी ने भी आज बोला और मैंने भी सोचा है कि चलो आज बच्चों को चिकफिला दिला देते हैं. तो अभी चिकफिला जा रहे हैं हम लोग. चिकफिला से हमारा खाने का आइटम लेते हैं, फिर घर जाएंगे और घर जाके शांति से बैठ के खाएंगे. फिर उसके बाद क्या हम लोगों के प्लान्स हैं वो मैं आप लोगों को बाद में अपडेट करती हूँ. चलिए तो हम लोगों ने हमारा जो चिकफिला का वो लिया था, मैंने तो वेजी रैप लिया था और आदि प्रिशा ने अपने चिकन नगेट्स लिए थे. तो हम लोगों ने वो खा लिया है, यानी हमारा लंच हो चुका है. तो अभी हम तीनों जा रहे हैं मॉल की तरफ. मॉल में हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आदि के कुछ टी शर्ट्स खरीदने हैं, शूज़ खरीदने हैं. सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट. तो चलिए चलते हैं, आप लोग भी चलिए. दोनों बच्चों को अच्छे से फ्रेशन अप कर दिया, नहला दिया, धुला दिया, दोनों को मस्त एकदम फ्रेश कर दिया, खिला भी दिया. और पता है ना, जाने के टाइम पे दोनों बच्चों को आलस आ रहा था. इनफैक्ट मुझे भी बहुत आलस आ रहा है, क्योंकि होता ही है ना कि गर्मियों के दिन चल रहे हैं रिलैक्सिंग वाले. तो सोचा हम लोगों ने कि खाते हैं और खा के थोड़ा आराम करते हैं. तो घर इतना अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा. अब बाहर जाएंगे ना तो फिर बाहर वही, अब हम लोग फिर से बिजी हो जाएंगे. लेकिन पर मैंने दोनों बच्चों को बोला कि एक काम करते हैं, चलो चलते हैं फटाफट से और ये काम करके आ जाते हैं. चलिए मैं जाती हूँ, गाल बहुत गर्म हो गई है, दोनों बच्चों को गर्मी लग जाएगी इसीलिए. चलिए तो आदि प्रिशा ने यहाँ पे अपने बैग सेलेक्ट कर लिए हैं. प्रिशा टर्न अराउंड. प्रिशा ने अपना पिंक कलर का लिया है, पूमा का. आदि ने लिया है, आदि शो मी. आदि ने अपना ये नेवी ब्लू लिया है, पूमा. तो दोनों बच्चे बड़े खुश हैं ये वाले बैग्स लेके. कैन यू टर्न अराउंड बोथ ऑफ यू, लेट मी टेक योर पिक्चर. टर्न अराउंड एंड लुक इट ओवर हियर, साइड बाय, लुक इट ओवर हियर आदि. दैट्स इट. Alrighty guys, तो real quick में मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि हम लोग तीनों गए हुए थे मॉल में खरीदारी करने के लिए. और वहां पे मैं बता दूं कि इतनी क्रेजी भीड़ हो रखी थी, इतनी ज्यादा क्रेजी भीड़. और जितनी भी मोस्टली मैंने जितना क्राउड देखा ना, वो आज मम्मी और बच्चों वाला, मम्मी बच्चों वाला, और हर तरह की कम्युनिटी आई हुई थी वहां पे. चीनी भी घूम रहे थे और ब्लैक्स भी थे, बहुत सारे लोग थे वहां पे, वाइट्स भी थे और देसी भी बहुत आए हुए थे. तो हुआ ये कि मैं बच्चों के साथ घूम रही थी, थोड़ा सोचा था कि रिकॉर्डिंग वगैरह करूँगी, लेकिन नहीं, वो इतनी ज़्यादा भीड़ थी और बच्चों के साथ मुझे जिस टारगेट के लिए मैं गई थी, तो मैं नहीं चाहती थी मैं किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हूँ इसीलिए. तो मैंने वहाँ पर तो कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा, पर मैं आप लोगों को रियल क्विक में बताती हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या क्या लिया है बच्चों के सामान से रिलेटेड. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो ये प्रिशा का स्कूल बैग. प्रिशा से
ये प्रिशा का नया स्कूल बैग है, बहुत ही क्यूट सा है ये, प्रिशा ने खुद पसंद करा है। होल्ड ऑन, वी विल शो इट टू एवरीवन। होल्ड ऑन फर्स्ट, ये प्रिशा का बैग है और ये है आदि का बैग, ढटड़ा है, पुमा का बैग है ये, और दोनों ही ओरिजिनल मिल गए मुझे। देयर यू गो, हाँ, बहुत ही क्यूट क्यूट से बैग्स हैं, बैकपैक्स, ये बैकपैक्स हो गया। ये प्रिशा, कैन यू पुट इट ओवर द ईयर चीको। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं दोनों के शूज कैसे हैं। तो ढेंटन है, ये आदि के शूज हैं, ये भी उसने लिए हैं, आदि ने पूमा के शूज लिए हैं। तो ये वाला एक पूमा के शूज हो गए, काफी अच्छे हैं, इसका सोल भी बहुत अच्छा है, और दोनों बच्चों को मैंने वहीं के वहीं पहना के देख लिया था। और प्रिशा के शूज दिखा देते हैं, ढेंटन है, ये प्रिशा के शूज है, बहुत ही क्यूट से है, व्हाइट कलर के, हालांकि ये दिख रहे इसमें व्हाइट है, लेकिन पर यूं देखा जाए ना तो लाइट ब्लू और पेस्टल कलर्स हैं, एक्चुअली थोड़ा पीच कलर भी है। पूमा के हैं प्रिशा के, और प्रिशा की ड्रेस दिखा देती हूँ। एक तो प्रिशा ने पहनी रखी है, प्रिशा कामिया, ये प्रिशा की ड्रेस है, क्यूट सी चिकन कढ़ाई की, और साथ में ये प्रिशा की एक और डेनिम वाली ड्रेस, तो ये ड्रेस हो गई प्रिशा की। और साथ में प्रिशा के लिए मैंने लिया है ये कोलंबिया का जैकेट, जो कि ठंड में काम में आने वाला है, कोलंबिया का ओरिजिनल जैकेट जो कि ठंड में काम में आ जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं था, वो मैंडेटरी नहीं था लेने का। यस, आई ऑलरेडी शो इट टू देम। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था, लेकिन हाथ में आ गया तो फिर सोचा कि चलो अभी ले लेते हैं, बाद में कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे रश करने की, इसीलिए। और फिर आदि का एक टी शर्ट लिया है, ये वाला, ये आदि का टी शर्ट है वन, फिर एक और टी शर्ट है ये वाला ब्लू कलर का पूमा, और इसके साथ इसके मैचिंग के, इसके साथ ये मैचिंग के इसके वो भी हैं सॉक्स वगैरह, ये रहा सॉक्स वगैरह भी हैं इसके, देयर यू गो। फिर आदि का एक शॉर्ट्स लिया है ये वाला, उसके पास और भी बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली ये वाला, कपड़ा इसका डिफरेंट है थोड़ा, कॉटन टाइप है, कॉटन पॉलिएस्टर, वो लिया है। प्रिशा की एक ड्रेस ली है, देयर यू गो, ये प्रिशा की ड्रेस है, क्योंकि अभी स्कूल खुलेंगे, फिर इनके फोटोग्राफी वगैरह ये वो सब चालू होंगे, इसीलिए तो ये प्रिशा के लिए लिया है। जैसे प्रिशा की एक ब्लू कलर की जैकेट ली है, सेम टू सेम आदि का एक हुडी लिया है ये वाला, ये फिला का है, फिला कंपनी का, बहुत ही अच्छा वाला है, एकदम गर्म गर्म सा, उसको मैंने पहना के देख लिया था, उसको आता भी है, और थोड़ा बैगी बैगी सा रहता है ना तो अच्छा रहता है, वार्म बना रहता है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, मैं ज़्यादा टाइट नहीं लेती हूँ, यू नो फिर आउटग्रो हो जाते बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं इसीलिए, तो वो छोटा हो जाता है एक्चुअली बच्चों के हिस्से, छोटा हो जाता है, बड़े नहीं हो जाते बच्चे, वो छोटा हो जाता है, तो इसीलिए तो एक वो लिया। साथ में मैंने अभी आदि के ना स्कूल खुलते से ही ना सबसे पहले इन लोगों का फोटो सेशन होने वाला है, तो ये एक टी शर्ट लिया, जैसे प्रिशा के लिए ड्रेस ली है वैसे आदि के लिए ये वाला टी शर्ट लिया है फोटो में पहनाने के हिसाब से। वो तो जब आने वाले टाइम में बच्चे पहनेंगे ना तो आप लोगों को अपडेट होता जाएगा हमारे ब्लॉग्स के थ्रू। और साथ में ये वाला एक और टी शर्ट लिया है आदि के लिए, ये वाला, दिख रहे सब बड़े हैं क्योंकि पर मैं एक बार के धोऊंगी इनको, तो धोने से क्या होता है ना कि कोई भी कितना भी अच्छे से अच्छा कपड़ा क्यों ना हो वो एक बार का सिकुड़ता जरूर है। और एक ये वाला टी शर्ट है आदि के लिए, तो ये सारे के सारे टी शर्ट्स ना आदि ने खुद पसंद करे हैं, ये कॉन्वर्स का क्यूट सा, बहुत ही प्यारे टी शर्ट्स हैं, बहुत प्यारा कलेक्शन है। हालांकि इन सबका बिल ओवरऑल टोटल मिला के आया है $250, ये सारे के सारे कपड़े, बैकपैक, बच्चों के शूज, ये सब कुछ मिला के आया है $250, यानी कि $250। ये भी मैं राउंड अप में बता रही हूँ क्योंकि आई थिंक सो इसका 248-247 का कुछ बिल बना था, तो उसको ओवरऑल टोटल मैंने करके बताया आप लोगों को $250। तो ये दोनों बच्चों का अभी तक का सबसे बड़ा अमाउंट है जो मैंने बच्चों के डैडी ने और मैंने स्पेंड करा है इसके ऊपर। पता है आज दिन भर लग गया मुझे, पता है कम से कम मैं, हम लोग निकले हुए थे 2:30 बजे से गए हुए थे, जिसके हम 6:30-7 बजे घर आए हैं, तो टोटल वर्थ इट लग रहा है मुझे इतना सारा सामान। हालांकि महंगा बहुत है क्योंकि महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि ग्रॉसरी वगैरह का मैंने एक दिन पहले आप लोगों को बताया था, ठीक वैसे ही महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए सोच समझ के इन्वेस्ट करें। मैंने बहुत सोच समझ के वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ली थी, फिर बाद में मैंने शॉर्ट एंड रन भी करी,
हालांकि टाइम लग गया उसमें, ऑफकोर्स 4 घंटे लग गए तो मेरे ऐसे ही नहीं गए, तो मैं बहुत ज्यादा सोच समझ के, और मैंने इनके बिल संभाल के रखे इन केस कभी बाई चांस मुझे इनमें से कुछ रिटर्न करना हुआ या कुछ एक्सचेंज कराना हो तो मैं वो भी करवा दूंगी। मैंने फिलहाल बच्चों के डैडी को बता दिया, अपडेट कर दिया है, हालांकि उनके लिए एक सोके वाला काम है, उनको अच्छा लगा कि चलो सही जगह पे उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है बच्चों के लिए जो नेसेसरी है वो सारी चीजें, पर मुझे बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है, मुझे बहुत महंगा लग रहा है। हालांकि मुझे अच्छे से याद है कि डिलीवर में भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें करी थी, पर उस टाइम पे अलग सिचुएशन थी, अभी अलग सिचुएशन है और अब आगे पता नहीं है इसीलिए। पर खैर एनीवेज, ये अभी तक का मेरा, मुझे लगता है कि मैंने कम से कम साल भर का कोटा खरीद लिया है, पर देखते हैं कैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से काम होगा, और मौसम चेंज होगा तो उस हिसाब से अप एंड डाउन हो सकते हैं। पर बैग वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और शूज वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कपड़े जो लंबे लिए हैं बड़े लिए हैं, और ये जो जैकेट्स ली है ये भी बड़ी ली है, बैगी ली है और एक साइज अप ली है, तो और एडवांस में खरीद लिया दोबारा, पर टाइम पे मुझे एंड टाइम पे मुझे रश करने की भी जरूरत नहीं है, और साथ में मुझे ज्यादा इसके लिए बार बार इन्वेस्ट करने के लिए बार बार चीजें खरीद के अपना मनी वगैरह ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत प्यारा सा हॉल है, और आज का दिन भर हमारा कैसा गया वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो आज बहुत सारे काम हो गए, आज बच्चों का जो स्कूल सप्लाई से रिलेटेड था, आदि का हेयर कटिंग हो गया क्योंकि कल मीटिंग है, और प्रिशा के ऑलरेडी हेयर कट हो चुके हैं, दोनों बच्चों को फ्रेशन अप कर दिया है, अच्छे से रेडी कर दिया, मेंटली वाइज भी दोनों को रेडी कर दिया है, दोनों के बैकपैक आ चुके हैं, शूज आ चुके हैं, कपड़े आ चुके हैं, और पूरा अप टू डेट है। कल इन लोगों की मीटिंग रहेगी और वो भी शाम को रहेगी, और कल का कल देखेंगे, कल डेफिनेटली मैं व्लॉग करूंगी तो आप लोगों को अपडेट होता ही जाएगा। बट एनीवेज, ये था एक प्यारा सा हॉल जो कि हमारा स्कूल रूटीन है। प्रिशा कम ही प्रिशा तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग इतना ही, मैं आप लोगों से कल के व्लॉग में मिलती हूँ, और इधर ऑपरेशन एंड व्हाट वी ऑलवेज से गाइस, ऑलवेज मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज, बाय।